हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लाल कुआं की कृष्णा विहार कॉलोनी और मंगलवार शाम नेशनल कुश्ती प्लेयर कपिल यादव को उन सबके साले ने घर और ही गोली मार दी। आरोप है कि पत्नी के दो भाई हमें दो साथियों के साथ मंगलवार शाम घर आए और गोली मारने के बाद करीब 1 लाख रुपए लूटकर भाग निकले। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं हलवान का निजी अस्पताल और इलाज चल रहा है। बमहेटा निवासी कपिल यादव कृष्णा विहार कॉलोनी और पत्नी के साथ रहते हैं। उनकी 1 साल पहले हरसाम निवासी मोनी से लव मैरिज हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद होने लगा। मंगलवार शाम करीब 6 बजे कपिल बमहेटा गांव और दूध लेने गए थे। आरोप है कि शाम करीब 7:30 बजे वह लौटे तो उन सबके साले अमित और सुमित हमें दो और साथियों के साथ घर पर मौजूद थे। चारों पत्नी के साथ सामान समेट रहे थे। उन्होंने चारों को रोका तो अमित ने तमंचा निकालकर गोली चला दी। गोली कपिल के पेट पर बाईं तरफ छूकर निकल गई। आरोप है कि वारदात के बाद चारों आरोपी पत्नी मोनी के साथ करीब 1 लाख रुपए लूटकर भाग निकले। गोली की आवाज सुनकर आए पड़ोसियों ने कपिल को पास के निजी अस्पताल और भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। SHO समरजीत सिंह ने बताया कि अमित, सुमित व दो अन्य युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। कपिल के अनुसार शादी के बाद से ही उनका पत्नी के साथ विवाद चल रहा है। आरोप है कि साले और ससुराल पक्ष के कई लोग उन पर 20 लाख रुपए देकर पत्नी को तलाक देने का दबाव बना रहे हैं। रकुछ नहीं देने पर दहेज प्रताड़ना के मामले और फंसाने की धमकी दी जाती है। जिस समय उन्होंने पत्नी को तलाक देने से इनकार किया तो यह हमला किया गया है। कपिल ने बताया कि 2016 और नेशनल गोल्ड मेडल जीतने के बाद जिस समय वह गांव पहुंचे तो उन सबके स्वागत कार्यक्रम और कुछ युवकों ने उन पर गोली चलाई थी। इस दौरान उनकी जांघ पर गोली लगी थी। बीती 26 जुलाई को भी अज्ञात युवकों ने NH पर बमहेटा गांव के पास उन पर हमला किया था, लेकिन गोली कार पर लगने से वह बाल बाल बचे थे। SHO समरजीत सिंह ने बताया कि पड़ोसियों से पूछताछ और घर और युवकों के घुसने की जानकारी नहीं मिली है। ऐसे और मामला संदिग्ध लग रहा है। घटनास्थल से खोखा भी नहीं मिला है। हालांकि मामले की जांच जारी है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।